नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के खिलाफ फतेहाबाद एसडीएम कार्यालय ने एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि डॉक्टर अशोक तंवर, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपनी जनसभा में बिजली विभाग के कर्मचारियों एसए और एक्सएन के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें अपनी सरकार आने के बाद देख लेने की धमकी भी दी। डॉक्टर अशोक तंवर ने इस वीडियो में क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि डॉक्टर अशोक तंवर ने अपनी जनसभा को संबोधित करते समय लाइट चले जाने पर बिजली विभाग के कर्मचारियों पर गुस्सा जरूर निकाला और उस समय जो हो डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा वो पूरा कैमरे में कैद हो गया। डॉक्टर अशोक तंवर को आज चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का दोषी मानते हुए नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस फतेहाबाद के एसडीएम सुरजीत सिंह नैन की ओर से जारी किया गया। इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि डॉक्टर अशोक तंवर, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने चुनावी बैठक में बिजली विभाग के एक्सएन और एसी को सरकार आने पर बर्खास्त करने और सस्पेंड करने की धमकी दी है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार अशोक तंवर द्वारा अफसरों को धमकी दिए जाने का वीडियो भी हमारे सामने आया है, इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर को हमने नोटिस जारी किया है। इसके लिए बाकायदा एसडीएम ने मीडिया के सामने आकर के ये बात कही। जो नोटिस भेजा गया है उसकी भी जानकारी दी और दिखाया भी। हालांकि इस पर मुख्य विपक्षी दल इनेलो ने भी सवाल खड़े किए हैं। भाजपा का डर अधिकारियों को में काफ़ी देखने को मिल रहा है। ये बात इनेलो के सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी ने फतेहाबाद में जिला के अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी ईमानदारी से करने की नसीहत देते हुए कही। उन्होंने कहा कि अधिकारी यदि चुनावी ड्यूटी और ईमानदारी से नहीं करेंगे तो मीडिया के बाद पब्लिक उनके पीछे पड़ जाएगी। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट घोषित हुए हैं इस सिरसा से कॉन्स्टिट्यूंसी से, श्री अशोक तंवर जी, अखबार के माध्यम से हमारे संज्ञान में ये आया है। उन्होंने कोई फतेहाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपनी मीटिंग, वर्कर मीटिंग करी थी, उसमें उन्होंने कोई अधिकारी कर्मचारियों के बाबत लाइट को लेकर कुछ कहा है, तो नियमानुसार जो भी कार्रवाई बढ़ेगी उनके खिलाफ वो हम नोटिस जारी करेंगे।